देश में कोरोना के 42,625 नए मामले, बीते 24 घंटे में 562 मरीजों की मौत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा, 7 और 8 अगस्त को यूपी दौरे पर रहेंगे नड्डा। शेयर बाजार गुलजार, 52,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन से पीएम मोदी ने की बात, ब्रांज जीतने पर दी बधाई। बुलंदशहर में बीजेपी चेयरमैन की दिखी लाइव गुंडई, टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने मारा थप्पड़। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर में टोल प्लाजा पर नरोरा बीजेपी चेयरमैन की लाइव गुंडई देखने को मिली है। टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने थप्पड़ मारा, वहीं थप्पड़ मारने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा रहा है। हमने थाना प्रभारी को बताया है कि तत्काल इसमें संबंधित कर्मचारी से संपर्क करके उससे तहरीर प्राप्त करें और अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई। तो खबर बुलंदशहर से आपको ये बता रहा, जहां पर टोल प्लाजा पर बीजेपी चेयरमैन की लाइव गुंडई देखने को मिली है। आपको बता दें कि टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने थप्पड़ जड़ दिया, वहीं थप्पड़ मारने का ये लाइव वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टोल प्लाजा पर बीजेपी चेयरमैन की ये लाइव गुंडई देखने को मिली है, जहां पर टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने थप्पड़ जड़ दिया और इस पूरी घटना का वीडियो भी लगातार अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बुलंदशहर से यह खबर आपको बता रहे, जहां पर टोल प्लाजा पर नरोरा बीजेपी चेयरमैन की ये लाइव गुंडई सामने आई है। टोल मांगने पर बीजेपी चेयरमैन ने थप्पड़ मार दिया, वहीं थप्पड़ मारने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर विश्वविद्यालय में परीक्षा देने आई बीएससी गृह विज्ञान तृतीय वर्ष की छात्रा ने कक्षा में ही खुदकुशी कर ली। वहीं छात्रा की मौत को लेकर दलित समाज के साथ हो रहे शोषण को लेकर कांग्रेसियों ने गोरखपुर के नगर निगम में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है। कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गौतम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, सरकार रोक नहीं पा रही है। वही मैनपुरी के करहल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने युवा पत्रकार ऋषिकांत दुबे पर नामजदों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे गुंडई की पराकाष्ठा करार दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा और गुंडा एक्ट में कार्रवाई भी की जाएगी। भाजपा के नेता पूर्व चेयरमैन संजीव यादव से मेरा विवाद चल रहा है और इसी को लेकर हम जो है निष्पक्ष खबरें छापते हैं, जो आए दिन जो है हम अपने हिसाब से खबर छपाना चाहते हैं। तो जिसको लेके हमारे ऊपर हमला किया गया है, तो मेरे एक ही दिन में मेरा 2 घंटे के अंदर 2 हमले। ये करहल में जो कल घटना हुई ऋषि दुबे के साथ में, ये हम समझते हैं कि गुंडई की पराकाष्ठा है। कुछ गुंडों ने
वो गुंडे ही कहे जाएंगे जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिस तरह से मणासन स्थित में उन्होंने आक्रमण किया खुलेआम इस बाजार में, ये बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन को देखना चाहिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और DM SSP अलग कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु ऐसी धारा लगनी चाहिए जिससे कि उनकी जमानत ना हो सके और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ये फिर से वही बात हुई जिस प्रकार की यहाँ और लोगों के साथ पहले होता रहा, वैसे ही समाज में भी समय भी समाज के साथ हो रहा है, इसको रोकना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी। वही मुरादाबाद की मुगलपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पिता की शिकायत पर बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अपने ही भाई की हत्या करने का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की गई है। कल जो है एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति जो लालबाग मुगलपुरा का रहने वाला था, उसने थाने पर एक करियर दी कि उसका 28 साल का बेटा जिसका नाम गगन उर्फ गौतम है, उसको उसकी बेटी नंदिनी और उसका प्रेमी प्रदीप कहीं गायब कर दिए हैं। इसकी तहरीर प्राप्त हुई जिस पर थाना मुगलपुरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सब लाइन्स के माध्यम से ममता और नंदिनी प्रदीप और जो गगन गायब हुआ था उनके सीढ़ी। वही मुरादाबाद जनपद के कटघरा थाना इलाके के लाजपत नगर में बने शिव कॉलोनी में कॉलोनी के रहने वाले 81 हिंदू परिवारों ने पलायन कर पोस्ट लगा दी है, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं SDM द्वारा जांच करके जिलाधिकारी को टीम सौंपी गई और आगे की जांच की जा रही है। DM और SSP साहब आए थे, रामलीला मैदान में मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय निकाला, भाई देखो हम किसी को मकान खरीद या बेचने के लिए किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसका हम समाधान करेंगे। इस समाधान के चलते उन्होंने हमें बताया कि आप अपनी जो कमेटी लाचन नगर जो समिति है, इसमें आप समिति को आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें आप अपना बायलॉज रखिए, जो भी आपको रखना है, जो भी आपको कंडीशन रखनी है कि आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान नहीं बेचेगा, आप उसमें शर्त रखिए, उसमें हम आपकी पलायन जैसा विषय नहीं है, बल्कि लाजपत नगर में लोगों के मन में कुछ संशय था, कुछ असंतोष था, उन लोगों से आज बैठ करके वार्ता की गई है। जो उनके असंतोष दूर करने के तरीके हैं उन पर चर्चा हुई है, इस बात पर सहमति बनी है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी बना देंगे, जिससे जो भी कॉलोनी की समस्याएं डिफरेंट आती रहती हैं उसको उस एसोसिएशन के माध्यम से जिस भी स्तर का हो सकता है, प्रशासनिक स्तर का हो सकता है कि आपसी स्तर का कोई मामला उसका निदान करेंगे। सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग अगले 2-3 दिनों में आपस में एक बैठक कर लेंगे, बैठक करके हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे और एक हम लोग एसोसिएशन बनाने की हम कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से जो एसोसिएशन के बायलाज होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन पूरी तरह से हर नागरिक के साथ खड़ा है और हर नागरिक की सुरक्षा करना प्रशासन का दायित्व है, और उस दायित्व में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने यहाँ भी आए, हम लोगों ने इन लोगों से बात भी किया, इन लोगों क्षेत्र का भ्रमण भी किया, और आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी हम इन लोगों के साथ। वहीं कौशाम्बी जिले में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई। एक बुजुर्ग महिला की घर पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के लिए ले जाते समय 2 की रास्ते में मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के SRN रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से अब बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी हमारे यहाँ जो है 2 लोग, एक जेठानी महिला जो है करीब 30 साल की है और एक लड़का 7 साल करीब 5 साल का है, वो दोनों ब्रॉड डेड ले आए गए यहाँ पर, दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए गए, और एक जो है आदमी है जो भर्ती है यहाँ पर, एक महिला जो देवरानी है वो भर्ती है, तो उन दोनों को हम लोगों ने स्वरूप रानी में रिफर कर दिया है। दोनों जो है खतरे से बाहर हैं, लेकिन अच्छे उपचार के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है जिससे बच जाएं। हमें लग रहा है कि ये पॉइजनिंग है और कुछ खाने में लगता है कुछ जरूर मिलावट हुई है, क्योंकि जो डेड बॉडी थी उसको देखने में प्यूपल्स उसकी कंस्ट्रिक्टेड थी, तो इसलिए लग रहा है कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस टाइप का।
रुक करते अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के संक्रमणगढ़ थाना क्षेत्र में दबंग ने दवा ले जा रहे दलित युवक को बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित ने मामले की तहरीर संग्रामगढ़ थाने में दी है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मारपीट, गाली गलौज और हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तो मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट देखने को मिली है। यह मामला प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां पर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में दबंग ने दवा लेने जा रहे दलित युवक को बेरहमी से पीटा है। वहीं पीड़ित ने मामले की तहरीर संग्रामगढ़ थाने में दी है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मारपीट, गाली गलौज और हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया और साथ ही साथ पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या मामला है? मामला है सर, कुंदन कपूरवा में खड़िंजा को लेकर ये प्रधान के चमचे जो हैं, ये लोग खड़िंजा बिछवाए और उस पर मिट्टी डालने के लिए बोला, तो वो बोले कि गुंडाई हो गई है तेरे को, तू गुंडा बन गया है। गाली ताली दिए, इधर उधर गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए और फिर शाम को ये लोग रास्ता तक के मुझे मारे। मैं दवा लाने औसानगंज बाजार जा रहा था, इसमें से कि आनंद मिश्रा, रोहित धुरिया, अंकित मिश्रा और रामकृष्ण मिश्रा, ये चारों लोग मुझे रास्ते से ही मारना स्टार्ट किए और गांव तक बोले कि तू गुंडा बन के रहेगा, तेरे गुंडाई करने हो गई है। ऐसे मारते हुए ले आए कि मैं दबंगई के साथ मारूंगा अगर कहीं थाने। वहीं कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव के पास एक सड़क के किनारे पानी में डूबी हुई एक महिला की जो बॉडी मिली है, जो अज्ञात में है, इसमें उसकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नियमानुसार कार्रवाई। तो कानपुर देहात से एक खबर बता रहे, जहां पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं शाहजहांपुर में उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में एआरटीओ प्रवर्तन और सीओसीटी महानगर यातायात प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अभियान में दर्जनों ध्वनि प्रदूषण करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। तो जिस तरह से शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए पुलिस अब सतर्क हो चुकी है और पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई करने में जिला प्रशासन ने अब अपनी कमर कस ली और इसी कड़ी में एआरटीओ प्रवर्तन और सीओसीटी महानगर यातायात प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दर्जनों ध्वनि प्रदूषण करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो भी बुलेट या जो अन्य वाहन है जो कंपनी में निर्मित होते हैं, इसके अलावा जो अन्य प्रकार साइलेंसर लगा लेते हैं, उसी पर कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। आरटीओ साहब ने बताया कि उच्च न्यायालय के ऑर्डर के कंप्लायंस में ये संयुक्त रूप से हम लोग का अभियान है, जो कि अगले लगातार चलता रहेगा। इसमें जो ध्वनि प्रदूषण के लिए मेनली उसको देखा जा रहा है, साइलेंसर को जो चेंज साइलेंसर लगा लेते हैं या डेक लगा लेते हैं। कल हम लोग कुआया में, कल परसों में जो ट्रैक्टर पे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डेक लगा ले रहे हैं, उससे कई तरह के। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया है, जिसमें हर ब्लॉकों में 4000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य को रखा गया और इसी महाअभियान की जाँच करने जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा के कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके हालातों का जायजा लिया है।
विधायक ने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी भी ली है। तो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ये महाअभियान चलाया गया है और आपको बता दें कि इसी महाअभियान की जांच करने के लिए जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा के कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र के हालातों का जायजा भी लिया है। वहीं विधायक ने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी भी ली और साथ ही सबको ये भी बताया कि सभी लोग वैक्सीनेशन की डोज ले। आज पूरे विश्व उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत गांव स्तर पे जो सामुदायिक केंद्र और यहाँ सामुदायिक केंद्र नहीं, ऐसे जो हमारे सरकारी भवन हैं उन सब में ये व्यवस्था किया गया है और टीकाकरण आज सामुदायिक केंद्र जोगिया पे मैं स्वयं आया हूँ और यहाँ टीका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है, अभी मैं सीएमओ से फ़ोन किया हूँ कि तुरंत दवा का यहाँ व्यवस्था हो और इस केंद्र के जो प्रबंधक माने जो डॉक्टर मेन डॉक्टर हैं अधीक्षक जो हैं ये स्वयं यहाँ। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस गोली की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद खालिद अली के बताए अनुसार एएमयू से 12वीं का पास आउट अरमान नाम के युवक को गोली मारी गई है। मोहम्मद खालिद ने बताया है कि अरमान और उसके दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अरमान को गोली मारकर उसके दोस्त मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस अब लगातार बदमाशों की तलाश में जुटे हुई है। सर एक्चुअली हुआ था कि कुछ हमारे ऑफिसर हैं नौसाद अली खान साहब, वो सर वहाँ पे कुछ लड़के जो स्टूडेंट हैं वो चाय पी के आ रहे थे, रोक लिया सर उनको। तो उनसे पूछताछ की, उनको सर चौकी ले आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा सर हम स्टूडेंट हैं और आप डायरेक्ट हमें यहाँ से उठा के नहीं ले आ सकते। सही तरह में उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, सर मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने सर से बात की, इनके जो सर एडमिशन कार्ड मैंने उनको दिखवाए, तो उन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं स्टूडेंट है। इतने में जैसे ही सर हमारे SI साहब वहाँ से चले आते हैं, उसकी 5-10 मिनट के अंदर थोड़ी बातें होती हैं, उसके बाद वो लोग फायरिंग। अभी सूचना प्राप्त हुई कि एमयू परिसर में एक गोली चली है, इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जांच की गई इसमें तथ्य प्रकाश में आया है कि जिसको गोली लगी ये भी बाहरी व्यक्ति है और जिस लोगों ने गोली मारी वो भी बाहरी व्यक्ति है। घटना की सत्यता की अभी जाँच की जा रही है और इसके आगे वैधानिक। तो अलीगढ़ से एक खबर है जहाँ पर एएमयू कैंपस में गोलियां चलाई गई हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद खालिद ने यह बताया है कि अरमान और उसके दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था और इसी के बाद अरमान को गोली मारकर उसके दोस्त मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से ये सामने आ रही है जहां पर चारबाग में एम्बुलेंस चालक से मारपीट की गई। बता दें कि मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस चालक लौट रहा था, वही एम्बुलेंस रोककर चालक को एम्बुलेंस कर्मियों ने जमकर पीटा है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मी कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये मामला चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर ये आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर चारबाग में एम्बुलेंस चालक से मारपीट की गई। बता दें कि मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस चालक लौट रहा था और इस दौरान एम्बुलेंस रोक कर चालक को जमकर पीटा गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
वहीं बड़ी खबर, 5 अगस्त को निकलेगी समाजवादी साइकिल यात्रा। प्रदेश में तहसील स्तर पर ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाएंगे और लगातार आपको बता दें सरकार की विफलताएं भी अब उजागर होने वाली है। तो 5 अगस्त को समाजवादी की ओर से साइकिल यात्रा ये निकाली जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, डीजीपी मुकुल गोयल के विवादित सर्कुलर का यह मामला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब तलब किया है। वही मामले में मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, शिया समुदाय ने जारी गाइडलाइन का विरोध किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर डीजीपी मुकुल गोयल के सर्कुलर का यह मामला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अब इसका जवाब तलब किया है। मामले में मुख्य सचिव से अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि मुहर्रम को लेकर डीजीपी ने गाइडलाइन जारी की थी, वहीं अब शिया समुदाय ने इस गाइडलाइन का विरोध किया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अब जवाब तलब किया है। मामले में मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण ये मांगा गया है। मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसको लेकर शिया समुदाय ने इसका विरोध जताया है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायबरेली में आक्रोशित परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि 29 जुलाई की रात अंकुर चौधरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौत का खुलासा ना होने पर गुस्साए परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला। अंकुर चौधरी की मौत के बाद पुलिस ने अभी तक किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला गया है और साथ ही साथ न्याय की मांग की गई है। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के संरक्षण में सुपरमार्केट से ये कैंडल मार्च निकाला गया है और इसका समापन शहीद चौक पर हुआ है। निर्दोष हत्या कैफे में काम कर रहा था, साइबर कैफे चला रहा था और 9/12 पर उसका शटर गिराया गया और 9/21 पर पुलिस को सूचना भी पहुंच जाती है कि उसकी हत्या हो गई है एक्सीडेंट के माध्यम से, लेकिन उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए और हमारे ख्याल से उनको फांसी की सजा दी जाए। जो ऐसे नेक इंसानों को मार सकता है, पता नहीं कितने लोगों को। मामला ये है कि आज के साथ चौधरी के हत्याकांड को लेकर लोगों की नाराजगी आज सड़कों पर है। उसी के उपलक्ष्य में और इंसाफ को पाने के लिए आज पूरा जन समुदाय इकट्ठा हुआ है और जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में हत्याओं का निरंतर सिलसिला प्रदेशभर जारी है और इस पर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है प्रदेश में हो रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।